नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत आप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का कि पिछली वीडियो जो कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें इतना प्यार दिया आप सभी लोगों ने, उसको समझा और मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेजेस करे कि आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी थी और आगे भी ऐसी वीडियो बनाएगा, उसका मैं बहुत ही तहे दिल से हाथ जोड़ के आपका शुक्रगुजार रहूँगा मैं हमेशा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आई होप कि पिछली वीडियो में मैं सभी लोगों को वो ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया हूँगा। वो वीडियो सही में काफ़ी काम की वीडियो है, वो सभी लोगों के लिए जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फ़र्क क्या है या एक्टिव इनकम पैसिव इनकम है क्या, लोगों को यही नहीं पता होगा। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं वही वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक कॉमन पर्सन के लिए, मुझ जैसे या आप जैसे एक आम इंसान के लिए क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें हम काम करके हम पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही एक गुजारिश कि वीडियो को चैनल को पे अगर आप नए हैं तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए, कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। तो आइए आज के कंटेंट को शुरुआत करते हैं कि हम समझेंगे कि एक आम इंसान के लिए पैसिव इनकम कमाने के क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। पैसिव इनकम कमाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे पहले हमें थोड़ी सा ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि आज के बदलते हुए दौर में, बदलते हुए ज़माने में एक्चुअली क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या किस किस तरीके के व्यवसाय हमारे सामने ऑप्शंस के तौर पे सामने आते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि जॉब करते करते जॉब के द्वारा हम पैसिव इनकम तक कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जॉब तो एक प्रॉपरली एक एक्टिव इनकम ही है। आप जॉब पे जा रहे हैं, आपको एक्टिव इनकम आ रही है, लेकिन पैसिव इनकम में जाने के लिए आपको किसी बिजनेस में उतरना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस तो हम बहुत कुछ देख चुके हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी भी पैसिव इनकम तक नहीं पहुँच पाए। ज़्यादातर लोग 99% लोग नहीं पहुँच पाए, कुछ एक दो नामों को अगर आप छोड़ दो तो जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करी, उनके अलावा ट्रेडिशनल सिस्टम से हम कभी भी पैसिव इनकम तक नहीं पहुँच सकते। क्यों? और एक साथ में एक ज़रूरी बात समझने वाली है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बदलाव का दौर है। आज से 20 साल पहले जो बिज़नेस बहुत अपने प्राइम पे पीक पे थे, आज उनको कोई पूछता भी नहीं है। यानी कि दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से, और इस बदलते हुए दौर में अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम अपडेट नहीं हुए, अगर हम तो हम आउटडेट हो जाएंगे, ये डेफिनेट श्योर। तो हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आने वाले समय में 21वीं सदी में बेसिकली हमारे सामने बिजनेस करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो आइए हम उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो 21वीं सदी का व्यवसाय जिन्हें हम कह सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग। ऑफकोर्स डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। फिक्की की रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 तक 60-65 हज़ार करोड़ तक बिजनेस हो टर्नओवर होना चाहिए ईयरली, और इसमें बहुत पोटेंशियल है ये हम सब लोग जानते हैं। बेसिकली आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक अवधारणा क्या है। डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट एक बड़े C&F डिपो के पास जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर एक होलसेलर के पास जाता है, फिर एक रिटेलर के पास जाता है, और उसके बाद एंड यूज़र यानी कि हम तक, कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। अब यानी कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम में एक प्रॉपर चेन बनी हुई होती है जिस चेन के थ्रू प्रोडक्ट हमारे तक आता है, और क्योंकि उस चेन में बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं इसलिए वो प्रोडक्ट लगभग 40-60% उसकी कॉस्ट हम तक आते आते बढ़ जाती है। और इसमें मेन अर्निंग मेंबर कौन होते हैं इस पूरे चैनल में, कंज्यूमर का तो सर प्रोडक्ट मिल रहा है वो अर्न कुछ नहीं करता, रिटेलर एक बहुत छोटी सी इनकम जनरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ अधिक
इनकम जनरेट करता है, लेकिन मेन इनकम कौन करता है, या तो मैन्युफैक्चर, या फिर बड़े होलसेलर, या फिर बड़े जो सीएनडीएफ डिपो वाले होते हैं, वो लोग इसमें इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि सारे मीडिएटर्स को हटा दिया जाता है और सीधे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आता है, तो जो 40 से 60 % की इनकम बचती है उसी को कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में डिवाइड करती है, बांटती है। यानी कि हर एक कॉमन से कॉमन छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास इनकम पाने का सबसे अच्छा जरिया होता है, यहाँ पर सबसे ईजी वे होता है यहाँ पर, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। 21वीं सदी का बहुत बड़ा व्यवसाय है। अभी लोग भी क्यों लोग इसके बारे में नेगेटिव हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स ने इसमें इसे पॉल्यूट कर दिया है, कहीं ना कहीं पौंजी स्कीम्स आई जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और धीरे धीरे, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, धीरे धीरे क्लियरेंस भी हो रही है और लोग समझ रहे हैं कि एक प्रॉपर एथिकल सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है और डायरेक्ट सेलिंग के इंपॉर्टेंस को भी समझ रहे हैं। ये एक 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। दूसरा, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। आज से कुछ साल पहले वेलनेस इंडस्ट्री को के कॉन्सेप्ट को कोई जानता भी नहीं था, लगभग 10 साल पहले किसी को सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों लेने ज़रूरी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस इंडस्ट्री की, लोगों को समझ में आया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ एक रूटीन लंच और डिनर ही ज़रूरी नहीं है, फ्रूट्स ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ में हमें कुछ सप्लीमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो करा। और सबसे बड़ा फ़र्क जो आया वो कोरोना के 2 साल की वजह से आया, जिसमें लोगों को पता चला कि हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से हमारा शरीर लड़ सकता है, इसलिए हमें इम्यूनिटी को बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ ली है और आने वाले समय में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत लगातार ग्रोथ करेगी और 21वीं सदी का दूसरे नंबर पे आने वाला व्यवसाय वेलनेस इंडस्ट्री की, जिसका कहीं ना कहीं हमें जिस इंडस्ट्री से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम समय के संग अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं तो। एक हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा हो गया वेलनेस इंडस्ट्री, अमेजिंग इंडस्ट्री है। तीसरा, इसके अलावा भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 21वीं सदी का व्यवसाय है, वो क्या है, वो है ई कॉमर्स। आज से 5 से 7 साल पहले तक ई कॉमर्स की हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, अमेजोन फ्लिपकार्ट को हम बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे 10 साल पहले, कोई हमें फेथ ही नहीं होता था कि ऐसे भी प्रोडक्ट परचेज किए जा सकते हैं, ऐसे भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। समय ने बदलाव लिया, समय बदला, लोगों के काम करने के तरीके बदले हैं, लोगों के शॉपिंग करने के तरीके बदले हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल सिस्टम में डाउनफॉल है बहुत ज़बरदस्त, जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रोज़ नए नए आंकड़े टच किए जा रहे हैं, सेल के पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया जा रहा है। इसमें चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे अपना ओयो हो, ये सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं, इसलिए ये भी 21वीं सदी का व्यवसाय है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी, किस तरीके से हम इन तीनों इंडस्ट्री का में से किसी का या इन तीनों का बेनिफिट ले सकते हैं पैसिव इनकम में आगे बढ़ने, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि पैसिव इनकम के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। ये मैंने आपको 3 आजकल के टॉप ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, पहला डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा वेलनेस इंडस्ट्री, तीसरा अफकोर्स ई कॉमर्स पे। अब सवाल ये आता है कि हम पैसिव इनकम के लिए इन तीनों को कैसे अप्रोच करें। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात है समझने की कि जिस कंपनी के संग मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस कंपनी की मैंने टी शर्ट इस समय डाल रखी है, उस कंपनी का नाम है एटोमी। और एटोमी एक कोरियन कंपनी है और एटोमी की सबसे बड़ी खास बात क्या है, एटोमी की सबसे बड़ी खास बात यही है कि एटोमी कंपनी इन तीनों व्यवसायों का, तीनों इंडस्ट्रीज का मिश्रण है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेलिंग का बेहद ही ईजी कॉन्सेप्ट मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
वेलनेस इंडस्ट्री के सबसे टॉप क्लास वर्ल्ड के हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हमें एटोमी में प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि हमें डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की इंडस्ट्री का भी हिस्सा बनने का मौका मिलता है और वेलनेस इंडस्ट्री का भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ई कॉमर्स। एटोमी बिजनेस टोटली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किया जाने वाला व्यवसाय है। यानी कि वो समय के संग, जैसे हमारा व्यवसाय करने के तरीके बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, उसी के संग अपडेटेड वर्जन है व्यवसाय करने का, जिसमें कि हमें टोटली ऑनलाइन शॉपिंग मॉल होता है हमारा, और हमारे टीममेट्स या हमारे रिलेटिव्स, हमारे डियर वन, नियर वन, या हम खुद जो भी शॉपिंग करते हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करते हैं। एटोमी कंपनी का कहीं कोई स्टोर नहीं है। यानी कि एटोमी कंपनी से जुड़ने पर हमें आने वाले समय के तीनों व्यवसायों से जुड़ने का मौका मिलता है, और पैसे इनकम कमाने के लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती, इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एटोमी बिजनेस इन तीनों बिजनेस का मिश्रण है। ये मैंने आपको बताया, वेलनेस इंडस्ट्री के जो सबसे टॉप हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट्स का कोई कंपटीशन नहीं है, और ये मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, ये मैं इंडियन वर्जन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ कि इन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ऐसे रिजल्ट्स वर्ल्ड के किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के नहीं आ रहे हैं, जैसे कि एटोमी के हीमोहिम ले लीजिए आप, या न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ले लीजिए, या और भी जिमसिंग है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, जो नंबर वन कंपनी भी ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है। ऐसे प्रोडक्ट हमें, वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हमें एटोमी में मिल रहे हैं। थर्ड, ई कॉमर्स, टोटली ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल है ये। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके के स्टोर पे आना जाना या सामान को लेके आना, ये सब हमें कहीं नहीं करना है। यानी कि समय के बदलाव के संग जो आज की जरूरत है, आज के समय के व्यवसाय की ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें हमें एटोमी कंपनी में मिलती हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एटोमी कंपनी से जुड़ते हैं और बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड करते हैं, तो आने वाले व्यवसाय, आने वाली 21वीं सदी के जो व्यवसाय हैं, उन तीनों मॉड्यूल से हमें जुड़ने का मौका मिलता है। तो मेरा आप सभी से ये सजेशन है कि इस पैसिव इनकम को कमाने के, पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ने के इस तरीके की महत्व को आप समझिए, और जल्द से जल्द एटोमी कंपनी में अपनी आईडी प्लेस कीजिए, यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड करिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय की तीनों इंडस्ट्रीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि मैं आपको आने वाले समय के हिसाब से जो 21वीं सदी के व्यवसाय हैं, मैं उनकी इंपॉर्टेंस आपको बता पाया हूँ, और एटोमी बिजनेस में आगे बढ़कर आप एक अच्छी पैसिव इनकम तक पहुँच सकते हैं, बगैर किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी एक्स्ट्रा जो है काबिलियत के, आप यहाँ पर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, और आप पैसिव इनकम पाने के लिए एटोमी बिजनेस से बेहतर कोई भी ऑप्शन मार्केट, कोई भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एटोमी बिजनेस से अपने आप को ज्वाइन कीजिए और बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, इसके बाद जल्द ही किसी नए टॉपिक के संग मैं आपके सामने आऊँगा, जिसमें कि एटोमी से जुड़े हुए और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फैक्ट्स मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तब तक के लिए प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय।